शारदीय नवरात्र के तीसरे दिन बुधवार प्रातःकाल जगत जननी माँ दुर्गा के तृतीय स्वरूप में माँ चंद्रघंटा देवी का विधि विधान से पूजन अर्चन किया गया। गोरखनाथ मंदिर के शक्तिपीठ में सुबह 4 से 6 बजे एवं सायंकाल में समस्त अनुसंधान गोरखनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ ने किए। इसके साथ ही दुर्गा मंदिर शक्तिपीठ के गर्भगृह में श्रीमद देवी भागवत का पारायण पाठ एवं श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ भी जारी रहा। दोनों पूजन सत्रों में गौरी गणेश की आराधना के साथ सभी देव विग्रहों का षोडशोपचार भी पूजन किया। आरती एवं क्षमा प्रार्थना के बाद प्रसाद का वितरण किया गया। समस्त अनुसंधान मंदिर के मुख्य पुरोहित पंडित रामानुज त्रिपाठी की उपस्थिति में की गई। इसके साथ ही पावन शारदीय नवरात्र के तीसरे दिन गोरखनाथ मंदिर में एक विशेष अनुसंधान के क्रम में ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज की चरण पादुका का पूजन किया गया। संस्कृत विद्यापीठ के 151 वेद पाठी छात्रों ने पुरोहितों एवं आचार्यगण के वैदिक मंत्रोच्चार के बीच चरण पादुका का पूजन का अनुष्ठान पूर्ण किया। इस अवसर पर योगी धर्मेन्द्रनाथ द्वारिका तिवारी, डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी, डॉक्टर रोहित मिश्र, पुरुषोत्तम चौबे, नित्यानंद तिवारी, शुभम मिश्र, शशांक पांडे, विनय गौतम सहित संस्कृत के छात्र उपस्थित रहे।